मोहन ने दिया है गुनगुन को राधा की देखभाल करने की जिम्मेदारी। दामिनी अपने घड़ियाली आंसू से पिघलाना चाहती है मोहन का दिल। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब मोहन की मां कादम्बरी को पुलिस वाले जेल में ले जाते हैं, दामिनी अपने दूसरे काम को अंजाम देने के लिए फोन लगाने लगती है। मोहन दामिनी के हाथ से आकर फोन छीन लेता है और उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। उसको ये भी कहता है कि अब हम किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। गुनगुन की राधा की देखभाल के लिए कहकर जाता है कि किसी को भी कमरे में अंदर नहीं जाने देना है। यहाँ तक कि कावेरी अपने फोन से किसी को फोन करने वाली होती है। मोहन उसके हाथ से भी फोन छीन लेता है। जेल में पहुंचने के बाद जब मोहन अपनी मां को दिलासा दे रहा होता है, दामिनी भी मोहन को दिलासा देने लगती है कि सब ठीक हो जाएगा। तब मोहन कहता है कि अगर तुम ये सब स्वीकार कर लो तो सब ठीक ही हो जाएगा। वही कादम्बरी भी दामिनी को धमकी देती है कि अगर हमें पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो फिर हमारे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दामिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। ये भी ठाना है कि ना तो वो कादम्बरी को जेल से आने देगी और ना ही राधा को ठीक होने देगी। आखिर मोहन के सर पर एक मुसीबत ये भी आ चुकी है कि 2 दिन कोर्ट बंद रहेंगे जिसके कारण कादम्बरी को रिहाई नहीं मिल पाएगी। उसके बाद मोहन जैसे चेयर पर बैठता है, दामिनी अपनी मां कावेरी को इशारों में कहती है कि अब वो अपने काम को अंजाम देने पहुंच जाए। देखना ये होगा कि क्या दामिनी अपने प्लान में सफल हो पाएगी या फिर दामिनी का राज अब सबके सामने खुलकर आएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।